अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मैं हूँ नसीर अली। स्टूडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आइकम पार्ट वन की। असूल मुआशियात है हमारे पास ही, तो और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके शॉर्ट इसके MCQs, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करेंगे, ताकि जो इंग्लिश वाले हैं और जो उर्दू वाले बच्चे हैं उन दोनों का फ़ायदा हो जाए। हमारे पास नौ पेपर हैं, ये इनके पास पेपर मेरे पास हैं, इसको मैं आपको ज़रा अच्छे से पढ़ा देता हूँ और आपने इन सबको याद कर लेना है। नंबर वन जी, इकनॉमिक्स इज़ अ नॉलेज, मुआशियात एक इलम है, मुआशरती इलम है। नंबर टू, व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज सेम, वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज, जब कीमत और मकदार मतलूबा में निस्बती तब्दीली बराबर हो तो तलब की लचक होती है, इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर। नंबर तीन, दी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाईज, रसद की लचक की नुमाइश के तरीके हैं तीन। नंबर फोर, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, द टोटल यूटिलिटी इज, जब मुस्तम अफादा सिफर होता है तो कुल अफादा मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। नंबर फाइव, एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड, औसत वसूली बराबर होती है, ये होती है जी प्राइस के कीमत के। नंबर सिक्स, द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज, कानून यकसानी हासिल का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, कानून यकसानी मुसारफ। नंबर सेवन, इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म ऑलवेज अर्न, मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा कलील में फर्म हमेशा कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट मामूली मुनाफा। नंबर एट, द रिवार्ड ऑफ यूज ऑफ लैंड इज, जमीन के इस्तेमाल का मुआवजा है रेंट, लगान उर्दू में कहते हैं इसे। नंबर नाइन, वन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश में क्या शामिल नहीं किया जाता, सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड, इनके हथौड़े खाना की खिदमात। नंबर टेन, पर कैपिटा इनकम मीन्स, इनके फीकस आमदनी से मुराद है एवरेज इनकम, इनके औसत आमदनी एक एक शख्स की मुल्क के। नंबर इलेवन, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स इज कॉल्ड, अशिया के बदले अशिया के तबादला को कहते हैं बार्टर सिस्टम। नंबर ट्वेल्व, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइसेस इज, ज़र की मकदार और कीमतों का तल्लक है इनवर्स। नंबर थर्टीन, द फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल आर, तजारती चक्र के अद्वार हैं फोर चार। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रेजेंटेड बाय, बैन अवी तजारत का तकाबली मुसारफ का नजरिया पेश किया रिकार्डो ने। नंबर 15, द रेट ऑफ ज़कात इज, ज़कात की शरह है 2.5%, 2.5%। उसके बाद जी हमारे पास है असूल मुआशियात गुजरा वाला बोर्ड 2023 का पेपर आ गया। नंबर वन, अ मोनोपोलिस्टिक फर्म यूजली अर्न्स, अजारादार फर्म आमतौर पर कमाती है अब नॉर्मल प्रॉफिट, गैर मामूली मुनाफा। नंबर टू, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट्स सप्लाई, किसी चीज की कीमत बढ़ने से रसद हो जाती है इंक्रीज ज्यादा। द रेट ऑफ ज़कात इज, शरा ज़कात है 2.5%। नंबर फोर, काइंड ऑफ मनी आर, ज़र की इकसाम है सात। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और कौमी पैमाइश की कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके हैं तीन। नंबर सिक्स, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कौमी आमदनी में किसे शुमार नहीं किया जाता, ट्रांसफर पेमेंट, इंतकाली अदायगियाँ जो होती हैं ना, इंतकाली अदायगियाँ वो होती हैं
जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कहीं से, ये तहाइफ वगैरह की सूरत में, सदका खैरात वगैरह की सूरत में, उनको इंतकाली अदायगी कहा जाता है। नंबर 7, द मनी हूज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज कॉल्ड ऐसा जर जिसकी जाहरी मालियत और हकीकी मालियत बराबर हो कहलाता है। यानी कि जिसके ऊपर अगर 10 रुपये लिखे हुए हैं और उसकी वैल्यू भी 10 रुपये ही है, यानी कि मटेरियल भी वो 10 रुपये वाला है, तो वो हमारे पास कहलाता है जी ये म्यारी जर, स्टैंडर्ड मनी, क्योंकि उसकी जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उतने की ही उसकी अपनी वैल्यू है, इसलिए इसको कहते हैं म्यारी जर। नंबर 8, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज हते तलब का झुकाव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, और हते रसद जो होता है ना सप्लाई कर्व वो पॉजिटिव होता है। नंबर 9, द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड, वो कीमत जिस पर तलब और रसद बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस कराती है। नंबर 10, द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, कुल पैदावार में तब्दीली कराती है एवरेज प्रोडक्ट ओस पैदावार। नंबर 11, प्रोफाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स वाज, मुआशियात का बानी था एडम स्मिथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इसका एमसीक्यू नंबर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स तवाज़ुन अदायगी में शामिल होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अशिया व खिदमात। मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सेशियटी इज, नुक्ता सीरी पर मुहतम अफादा होता है सिफर। देखें मुहतम अफादा जो होता है ना वो हर एक इकाई का अलग अलग अफादा होता है, तो जो पॉइंट ऑफ सेशियटी है यानी कि जहाँ पर कोई और चीज़ आप तलब करने की आपकी यानी कि तलब खत्म हो जाती है, आप और इस जिसके आगे से आप कुछ भी खा पी नहीं सकते, आप फुल हो जाते हैं, तो वहां पर मुहतम अफादा जीरो हो जाता है, और जो टोटल अफादा होता है टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। नंबर 14, नंबर ऑफ फर्म अंडर मोनोपलीज, अजारदारी के तहत फर्मों की तादाद है एक। बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, बुनियादी आमले पैदाइश है, जमीन सबसे पहले, उसके बाद इसके ऊपर ही सारा पैसा भी लगता है, लेबर भी इसके ऊपर लगती है, सारा कुछ यहाँ पर ही होता है, ठीक है, जमीन पर ही मेन हमारे पास लैंड है। फैसलाबाद बोर्ड का आ गया गिनती वाला इकोनॉमिक्स का पेपर हमारे पास। नंबर 1, हु डिक्लेयर इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ, किसने मुआशिया को दौलत का इलम करार दिया, एडम स्मिथ ने। नंबर 2, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी इज, जब मुतम अफादा सिफर हो तो कुल अफादा मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कीमत और तलब में तलक पाया जाता है इनवर्स माकूस। नंबर 4, द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज, सप्लाई का पहले भी मैंने बताया हते रसद का झुकाव होता है पॉजिटिव, हते तलब नेगेटिव होता है और हते रसद पॉजिटिव होता है। नंबर 5, एवरेज रेवेन्यूज कॉल्ड असोसूली कहलाती है कीमत प्राइस, ये भी रिपीट हो चुका है। नंबर 6, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मोस्टली एप्लीकेशन ऑन, कानूनी तकलीले हासिल का नफाज ज्यादातर होता है एग्रीकल्चर ज़राअत पर। नंबर 7, द नंबर ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली, अजारादारी के तहत फर्मों की तादाद है एक। नंबर 8, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, आमली ने पैदाइश की तादाद है 4, ये 4 आमली ने पैदाइश होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, ये है जी लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल, जमीन में सरमाया तंजीम। नंबर 9, द चेक इज, चेक है क्या है जी, क्रेडिट मनी है इतबारी दर। नंबर 10, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल स्टेज, कौमी आमदनी कोई की मतवाजन सतह होती है, सेविंग बचत कह लें से, ठीक है, सरमायाकारी बराबर है बचत, यानी कि सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के। नंबर 11, द राइज एंड फॉल इन इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड, माशी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव कहलाता है ट्रेड साइकिल, पैदाती चक्कर। नंबर 12, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रेजेंटेड बाय, बैन अल-कौमी तजारत में कुल बर्तरी का नजरिया पेश किया, ये एडम स्मिथ ने किया था।
उसके बाद ही नंबर 13 पे आ जाते हैं, दी मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज, हुकूमत की आमदनी का बड़ा जरिया है टैक्सेस। नंबर 14, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट, अफरातेदार में हुकूमत बजट बनाती है डेफिसिट सारे का। नंबर 15, इन पाकिस्तान फिजिकल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, पाकिस्तान में माली साल का आगाज हुआ 1 जुलाई या 1 जुलाई से। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सूले मुआशिया रावलपिंडी प्रिंसिपल इकोनॉमिक रावलपिंडी का बोर्ड आ गया। द लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, तो आपने अदायगी को बेहतर बनाने के लिए कर्जा देने वाला अदारा है IMF, बैन अवी मालियाती फंड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज, हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है टैक्सेस। नंबर 3, द कैनन ऑफ टैक्सेशन इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड वेरी स्मॉल कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वो उसूल टैक्स जिसमें टैक्सों की उसूली पर हुकूमत को कम अखराज बर्दाश्त करने पड़े, कैनन ऑफ इकॉनमी उसूल कफायत। नंबर 4, द टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड मादी अमानतें कहलाती हैं नेयर मनी। नंबर 5, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेशन अकर्ड इन, आलमी माशी बहरान वकू पजीर हुआ 1930 में। नंबर 6, टू इंक्रीज प्रॉफिट अ फर्म ट्राइज टू मिनिमाइज, मुनाफा बढ़ाने के लिए फर्म डैश को कम से कम करने की कोशिश करती है कॉस्ट लागत। नंबर 7, द इकोनॉमिक लॉज आर, मुआशी कानून होते हैं कंडीशनल मशरूत। नंबर 8, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी इज, जब मुतमिन फायदा सिफर होता है तो कुल फायदा क्या होता है मैक्सिमम होता है। नंबर 9, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डैश इज मोर देन यूनिटी, डैश की तलब की लचक इकाई से ज्यादा होती है कार्ड की। नंबर 10, इलास्टिसिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज, ज्यादा पजीर अशिया की रसद होती है, जिनकी ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं वो उनकी जीरो होती है जी। उसके बाद नेक्स्ट 11 पे आ रहे हैं, 11 वाला एमसीक्यू है, व्हेन एसी कर्व इज गोइंग डाउन द एमसी कर्व इज, एसी कहते हैं एवरेज कॉस्ट ओस मुसारफ, जब ज्यादा होंगे मार्जिनल कॉस्ट से क्या होता है, जब ओस मुसारफ का हद नीचे जा रहा हो तो मुस्तम मुसारफ का हद क्या होता है ये भी नीचे ही जा रहा होता है, बिलो ही होता है। नंबर 12, द डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, आमिर पैदाइश की तलब होती है डायरेक्ट बराह रास्त, जरूर पड़ेगी तो उसको लगा लेते हैं, ना पड़ेगी तो छोड़ देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये फैक्टर भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कम होगी तो फैक्टर भी कम होंगे। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड, अंतकाली अदायगियों में शामिल है, देखें ये वजायफ वगैरह होती हैं स्टिपेंड, क्योंकि जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ना पैसे उनको हम अंतकाली अदायगियाँ कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। नंबर 14, द राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड, कीमतों के बढ़ने के रुझान को कहा जाता है इन्फ्लेशन। द सनस्पॉट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, आप भी धोबों का नजरिया पेश किया डब्ल्यू एस जेवंस ने, ये बड़ा अहम है इसको आपने याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी सरगोधा बोर्ड का पेपर, इसका पहला एमसीक्यू है, फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन वाज पब्लिश्ड, मुआशियात की पहली किताब दौलत क़वाम शाया हुई 1776 में। विच वन इज मोस्ट मटीरियल गुड्स, इनमें से कौन सी मादी शाया नहीं, टीचिंग ऑफ टीचर उस्ताद का पढ़ाना। नंबर 3, डिमांड ऑफ अ गुड्स मीन, किसी शाया की तलब से मुराद है अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज, खरीदने की ख्वाहिश और ताकत। सप्लाई ऑफ लैंड इज, जमीन की रसद है फिक्स्ड मुआइना। नंबर 5, द सिंबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड, रसद की लचक की अलामत है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 6, अ मार्केट हैज, एक मंडी में होते हैं बायर्स एंड सेलर, खरीदार और फरोख्तकार। नंबर 7, द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज,
का मुफ्त होती है लैंड जमीन। नंबर 8 एवरेज प्रोडक्ट इज औसत पैदावार होती है पर यूनिट प्रोडक्ट फी इकाई पैदावार। नंबर 9 मोनोपलिस्ट कंट्रोल दी सप्लाई इजारादार शेयर की रसद पर अख्तियार रखता है टोटली मुकम्मल तौर पर। नंबर 10 ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक कमोडिटीज कॉल्ड फर्मों का मजमुआ कोई एक खास शेयर पैदा कर रहा हो तो उसे कहते हैं इंडस्ट्री। सन पर द मोस्ट नंबर 11 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज कॉल्ड हुकूमत की वसूलियों का सबसे अहम जरिया है टैक्सेस। नंबर 12 अंडर इम्परफेक्ट मार्केट गुड्स आर नामुकम्मल मुकाबला में अशिया होती हैं हेट्रोजीनियस गैर मुतजानस। नंबर 13 दिस फार्मूला ये फार्मूला हमारे पास है अल्फा क्यू ओवर अल्फा पी मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू इज ऑफ किसका फार्मूला ये है नुक्ति लचक। नंबर 14 उशर इज इम्पोज ऑन उशर अदा किया जाता है क्रॉप्स फसलों पर। नंबर 15 डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडिंग गुड्स आर कॉल्ड बराह रास्त तीन देने वाली अशिया कहलाती हैं कंज्यूमर गुड्स अशिया सर्फ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मुआशियात मुल्तान बोर्ड का पेपर। इसका पहला एमसीक्यू है इकोनॉमिक्स वाज कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर बाय मुआशियात को मादी खुशहाली का इलम करार दिया था मार्शल ने। नंबर 2 ऑन सैचुरेशन पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज नुक्ता सीरे पर मुतम मफादा होता है 0 0। नंबर 3 व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज देन इट्स डिमांड किसी चीज की कीमत बढ़ने से तलब हो जाती है डिक्रीज कम। नंबर 4 डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड लागत पैदाइश की वजह से रसद में कमी कहलाती है फॉल इन सप्लाई रसद का गिरना। नंबर 5 व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड जब मुस्तकिल पैदावार साकन रहे तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट रिटर्न कानून यकसानी हासिल। नंबर 6 द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज मतगैयर मसारफ और मुआयना मसारफ का मजमूआ है टोटल कॉस्ट कुल मसारफ। नंबर 7 द शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म इज इनके शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है फर्म का यानी जब फर्म बंद हो जाती है फर्म के बंद होने का नुकता है जहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेस देन हो छोटी हो एवरेज रेवेन्यू से यानी कि औसत मतगैरा मसारफ छोटे हो औसत हासिल से। दी सप्लाई ऑफ लैंड इज जमीन की रसद होती है फिक्स्ड। नंबर 9 द एक्सपेंडिचर ऑन वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन और कार एशिया की शिकस्त व रीहत के अखराजात कहलाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर फरसूदगी के अखराजात। मटन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज कौमी आमदनी की मतवाजन सतह होती है जहाँ सेविंग इज इक्वल इन्वेस्टमेंट यानी कि बचत बराबर है सरमायाकारी के। नंबर 11 इन पाकिस्तान ऑल काइंस आर पाकिस्तान में तमाम सिक्के हैं टोकर मनी अलामती जर। नंबर 12 द राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड कीमतों में बढ़ने के रुझान को कहा जाता है इन्फ्लेशन अफराते दर। नंबर 13 द राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड माशी सरगर्मियों के उतार चढ़ाव को कहा जाता है ट्रेड साइकिल तदारती चक्कर। नंबर 14 द बैलेंस ऑफ ट्रेड आर इंक्लूडेड तजारत तवाजन तजारत में डैश शामिल है गुड्स अशिया। नंबर 15 द रेट ऑफ जकात इज शरा जकात है 2.5%। 13 गाजी हाँ बोर्ड का हमारे पास पेपर आ गया जी इसको करते हैं आप। द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्लासिकल मकतब फिक्र का बानी कहा जाता है एडम स्मिथ को। नंबर 2 व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस द मार्जिनल यूटिलिटी इज जब कुल फायदा गिरता है तो मुतल फायदा होता है
मनफी। नंबर थ्री, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, खतरे तलब का झुकाव होता है, नेगेटिव मनफी होता है। नंबर फोर, डिमांड ऑफ कमोडिटी एग्जिस्टिंग इन द वेयर हाउस इज कॉल्ड, गोदाम में मौजूद शेयर की मकदार कहलाती है स्टॉक, जहीरा। नंबर फाइव, क्विकली पेरिशेबल गुड्स आर कॉल्ड, जल्द ज़ाया होने वाली अशिया को कहा जाता है ज़िया पज़ीर अशिया, यानी कि पेरिशेबल गुड्स। नंबर सिक्स, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, कुल पैदावार में तब्दीली की शरह है, एवरेज प्रोडक्ट और पैदावार। नंबर सेवन, द सम ऑफ वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स कास्ट इज, दोनों को जमा कर लिया जाए तो क्या बनता है, मतगैर कास्ट और मुइना मसारफ का मजमूआ है टोटल कास्ट। नंबर एट, मोनोपोलिस्ट फर्म कॉमनली गेंस, अजारादार फर्म आमतौर पर कमाती है अब नॉर्मल प्रॉफिट, गैर मूल्य मुनाफा। नंबर नाइन, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और आमदनी ने पैदाइश है चार, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन में से कोई कौन सी चीज कौन सी कौमी आमदनी में शामिल नहीं, ट्रांसफर पेमेंट इंतकाली अदाकियां। नंबर इलेवन, नेशनल इनकम इज कौमी आमदनी है, टोटल ऑफ एनुअल प्रोडक्शन यानी कि साल भर की पैदावार का मजमूआ। नंबर ट्वेल्थ, दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड इज कॉल्ड, अशिया के बदले अशिया के तबादले को कहा जाता है बार्टर। नंबर थर्टीन, परचेज फेस ऑफ ट्रेड साइकिल और तजारती चक्र के द्वार है चार। नंबर फोर्टीन, ड्यूरिंग रिसेशन, सर्द बाजारी के दौरान प्राइसेस डिक्रीज, कीमतें गिर जाती हैं। नंबर फिफ्टीन, दी ज़कात इज पेड ड्यूरिंग अ ईयर, ज़कात साल में अदा की जाती है एक दफा। साहिवाल बोर्ड का हमारे पास पेपर आ गया है जी। इकोनॉमिक्स वाज कंसीडर्ड एज साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, माशियात को माती खुशहाली का इलम करार दिया है मार्शल ने। नंबर टू, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी, क्या मुतम अफादा मन भी हो तो कुल अफादा क्या होगा, डिक्रीज कम हो जाएगा। नंबर थ्री है, लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन, उन्होंने तलब तो फायल है डिक्रीजिंग इनके तकलीली। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज, हत्ते रसर का झुकाव होता है मसबत। द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, कीमत जिस पर मकदार तलब और असर बराबर हो जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, तो आदमी अदायगी। नंबर सिक्स, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इज ऑन, उन्होंने तक ले लिया सका, जल्द इतलाक होता है एग्रीकल्चर ज़राअत पर। दिसम्बर, वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स कास्ट इज, मुतगैर मसारफ और मुआइना मसारफ का मजमूआ है टोटल कास्ट, कुल मसारफ। एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिवर एंड सी आर कॉल, बस ये थे आमनी ने बताया कि दरिया और समंदर कहलाते हैं जमीन लैंड। नंबर नाइन, दी अपोजिट मार्केट ऑफ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ नहीं दी अपोजिट मार्केट ऑफ फैक्टर कंपटीशन इज, मुकम्मल मुकाबला की जिद है मोनोपोली अदारादारी। नंबर टेन, दी मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल दी सप्लाई, अजारा को रसद पर कंट्रोल होता है टोटली मुकम्मल। नंबर इलेवन, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनमें से कौन सी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, ट्रांसफर पेमेंट इंतकाली अदायगियां। उसके बाद ये हमारे पास 12 वाला आ गया एमसीक्यू, दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड, ज़र की कूद खरीद को कहा जाता है वैल्यू ऑफ मनी कदर ज़र। नंबर 13, दी फेस ऑफ ट्रेड साइकिल और तजारती चक्कर के अदवार हैं चार है। नंबर 14, फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट यूज इन, ज़र मुबादला का इस्तेमाल नहीं होता डोमेस्टिक ट्रेड में, मुल्की तजारत में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बला वास्ता टैक्स है जी, सेल्स टैक्स। उसके बाद जी आ जाएं आप
मीरपुर बोर्ड है, ये आखिरी पेपर है, ये उर्दू में ही है बस, ठीक है। इसको आप समझ आ जाएंगे, इंग्लिश वालों को भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। ये है हमारे पास मार्शल की किताब का नाम है सोलह मुआशियात, उनके नेम ऑफ ये मार्शल बुक इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर टू, किसी चीज शहर की पहली इकाई से हासिल होने वाला फायदा क्या होता है जी? इब्तदाई फायदा होता है, यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड इब्तदाई को हम कहते हैं पहला, इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये शुरू वाला जो होता है प्राइमरी। नंबर थ्री, किसी चीज की कीमत गिरने से तलब हो जाती है ज्यादा, इनके जब डिक्रीज इन प्राइस जब होती है तो तलब इंक्रीज हो जाती है। नंबर फोर, हथे रसद का झुकाव होता है, ये आपने पहले भी कर लिया, हथे रसद हमेशा जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मस्बत होता है। नंबर फाइव, कानून तकलीले हासिल का इतलाक होता है, दी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ये है जी एग्रीकल्चर ज़राअत पर। नंबर सिक्स, मतगैयर मसारफ हैं, मतगैयर वो होते हैं जो तब्दील होते रहते हैं, ये हैं जी बराह रास्त डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बराह रास्त होती है। नंबर सेवन, मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म के मुतम वसूल खात का झुकाव होता है, अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स मार्जिनल वसूली का हाथ जो होता है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिनल इंक्रीजिंग, जो भी है इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश में सिफर होता है इसका, उर्दू में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में जरा थोड़ा और है मसला। नंबर एट, आजर का मुआवजा होता है मुनाफा। नंबर नाइन, कौमी आमदनी के दायरे भी बढ़ाओ से हरज की जाती है बरामदाद। नंबर टेन, कौमी आमदनी में शामिल होते हैं बिला वास्ता टैक्स। नंबर इलेवन, अफराते जर के दौरान जर की कदर होती है कम। नंबर ट्वेल्व, चेक है एतबारी जर। नंबर थर्टीन, माशी सरगर्मियों को उतार चढ़ाव हो कराता है तजारती चक्कर। नंबर फोर्टीन, तोजनी तजारत में शामिल है अशिया। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है इसका 15 वाला, अशिया की फरोख्त पर आयद होने वाला टैक्स होता है जी, ये बकरी टैक्स तो नहीं ना हो सकता, बकरी नहीं है ये, बिक्री है, बिक्री मतलब सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स है ठीक है, ये सेल्स टैक्स ओके, ये इसका आंसर होगा। लेकिन हमारे पास जो है 2023 के पास पेपर हमने काट लिए हैं, आपने सिंपली इसको याद करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अपनी दुआ में याद रखें, करें अल्लाह हाफिज़।